बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस को अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त कर दिया गया है। मतलब अब जब तक बांग्लादेश में अगले चुनाव नहीं होते, इस अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनिस होंगे। राष्ट्रपति के प्रेस सचिवालय ने मंगलवार देर शाम इस बात की पुष्टि की है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन की मिलकर एक साझा बैठक हुई और इसी में ये निर्णय लिया गया। इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। राष्ट्रपति की प्रेस सचिव जोइनल आबेदीन ने बताया कि अंतरिम सरकार के बाकी सदस्यों के नाम पर कई राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के बाद ये अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंगलवार को दूसरा दिन था जब बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं थी। इस बीच देश में भयानक हिंसा चली। इसमें बड़ी संख्या में आवामी लीग के नेताओं और अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे थे। कट्टरपंथियों की भीड़ ने ढाका के धान मंडी में प्रख्यात बांग्लादेशी गायक राहुल आनंद के 140 साल पुराने घर पर हमला किया। उपद्रवियों ने हिंदू गायक के घर में आग लगा दी, जिसमें 3000 से ज्यादा संगीत वाद्य यंत्र जलाकर राख कर दिए। आग लगाने से पहले उनके घर में लूटपाट भी की गई, बवाली फर्नीचर तक उठा कर ले गए। राहुल आनंद के परिवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बांग्लादेश के प्रमुख अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राहुल आनंद का घर सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था, उसे लूटा गया और जला दिया गया। राहुल आनंद के बैंड जोलर गान के संस्थापक सदस्यों में एक सैफुल इस्लाम जर्नाल ने डेली स्टार को बताया कि राहुल दा और उनका परिवार सदमे में है और एक और गुप्त स्थान पर शरण ले रहा है, जिसके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते हैं। हम तक उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं। ये उनका घर भी नहीं था, वो एक किराए का मकान था जिसमें वो दशकों से रह रहे थे। जर्नाल ने कहा कि मुझे पता चला कि घटना शाम के 4 बजे के आसपास हुई। मैंने जो सुना उसके मुताबिक गुंडों के एक समूह ने घर पर हमला किया। राहुल दा, शुक्ला दी और परिवार के दूसरे सदस्य किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिनों की हिंसा के दौरान कम से कम 97 जगहों पर अल्पसंख्यकों के घरों और दुकानों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई और लूटपाट भी की गई। कम से कम 10 हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। बागरेहाट में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आदमिया घरों को भी निशाना बनाया गया। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।